हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 20th ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम गेट एपीआई के थ्रू डिटेल व्यू पे काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है। ये वही रिएक्ट ऐप है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो पे भी काम किया था और जो कि ब्राउज़र पे रन भी हो रहा है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बूटस्ट्रैप बताई थी और किस तरीके से बूटस्ट्रैप पे ये टेबल का डिज़ाइन और ये बटन का CSS वगैरह लगा के मैंने बताया था। तो आज के इस वीडियो में मुझे इस व्यू वाले पे काम करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा, व्यू पे काम करना है तो उसके लिए आपके पास एक API भी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो API जो कॉल हो रही है, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं? 6 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो API कॉल हो रही है वो एरे रिटर्न कर रही है, मतलब वो मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न कर रही है, ठीक है। लेकिन व्यू पे क्या होगा, वो केवल सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। तो उसकी API अलग से होती है और इसकी API अलग होती है, होती दोनों गेट की API हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ब्राउज़र पे पहले आपको API रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं ये वाली देखता हूँ, ये वाली API है जो कि यहाँ पर कॉल हो रही है, जिसमें 6 रिकॉर्ड हैं। ये सारे रिकॉर्ड हैं, ये प्रिंट हो रहे हैं। और इसी के अलावा मेरे पास एक API और है, ये सिंगल रिकॉर्ड की API है। जैसे ID में 2 डाला है तो सेकंड रिकॉर्ड आया है। मैं अब ID में 3 डालूँगा तो 3 का रिकॉर्ड आएगा, 4 डालूँगा तो 4 का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। जो ID पास होगी इसका रिकॉर्ड आएगा। कहने का मतलब है ये मल्टीपल रिकॉर्ड की API हो गई और ये सिंगल रिकॉर्ड की API हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये API इसमें काम कर जाए, ये API इसमें काम कर जाए। तो कहने मतलब API हमारे पास अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो सिंगल रिकॉर्ड की API है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। अब मैं अपने कोड पे चलता हूँ। ये app.js है तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा, अच्छा गेट यूज़र कॉल हो रहा है, बट यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ये क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रखी है जो जिसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले के पहले वाले वीडियो में मैंने राउट्स के बारे में बताया होगा, ठीक है। और उसी में मैंने ये क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करना बताया होगा। तो फिलहाल अभी मैं इसमें से इसे हटा दूंगा और इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। आज जब यहाँ हटाया है तो जाहिर सी बात है इसका लिंक भी होगा। नैब बार में चलता हूँ, ये देखिए ये है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब मैं इसको एक बार देख भी लेता हूँ कि सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। यस, करेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे काम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिटेल व्यू के लिए कंपोनेंट बना लेता हूँ। डिटेल व्यू, अब मेरा ये डिटेल व्यू का कंपोनेंट बन चुका है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक राउट्स बनाना पड़ेगा। डिटेल व्यू कर दिया, यहाँ कर देता हूँ
यूज़र व्यू कर देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडी के बेस पे रिकॉर्ड चेंज होगा, इसलिए हमें इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। बट आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले में ऐसा कुछ नहीं किया गया है, और इधर नीचे यूज़र रजिस्टर वाले में मैंने इस तरह की क्वेरी स्ट्रिंग नहीं पास करनी पड़ी है, बट इसमें करनी पड़ेगी। ऐसे ही अभी हम एडिट पे काम करेंगे तो भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है, क्वेश्चन मार्क आईडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो इसमें आईडी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो आईडी चेंज होंगी तो उसके बेस में वो आईडी हमारी एपीआई के अंदर जाएगी, और उस आईडी के बेस पर रिकॉर्ड आएगा, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक काम हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जाना है गेट यूज़र में, यहाँ पे मुझे करना होगा व्यू है, यहाँ करना होगा मुझे क्या बनाया था हमने, यूआरएल, यहाँ पे यूज़र व्यू, तो हमें लिखना होगा यूज़र व्यू, प्लस कर देता हूँ यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एक मिनट यहाँ स्लैश लगा देता हूँ, अब ये यूज़र व्यू वाला है, उस वाले कंपोनेंट में मैं जाता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये ठीक है, जब मैं यूज़र व्यू पे क्लिक करूँगा इस वाले लिंक पे, ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा, ठीक है। चलो एक बार इसे रन करके भी देख लेता हूँ क्या हुआ एक्टिविटी। ये देखो, आप यहाँ पे इस तरीके से नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आईडी नज़र आ रही है, ठीक है। स्टेटस बार के नीचे देखिए, जहाँ मेरा एरो आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो व्यू करा, वन आया, टू आया, थ्री आया, देखिए इस तरीके से आ रहा है। बट यहाँ पे साथ में यूज़र लिस्ट भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्लैश लगाना होगा। अब देखते हैं, ठीक है, अब करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं डिटेल व्यू में चलता हूँ और देखता हूँ ये आईडी मुझे मिल रही नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे हमें असलियत में काम करना है, सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट को, और उसके बाद मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, एक तो मैं करूँगा यूज़ स्टेट, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी, यूज़ स्टेट, ठीक है, और हमें पड़ेगी यूज़ इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इनको मैं ऐसा करता हूँ, इनको तो मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट, एक परम की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ परम, ये रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट है, ठीक है। इतना सब हो गया, अब सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं मुझे ये आईडी मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो मैं आईडी स्टोर कर लेता हूँ, सपोज आईडी के नाम से कर लेता हूँ स्टोर, यूज़ यूज़ परम, ठीक है। अब इसको एक बार कंसोल करके देख लेता हूँ क्या प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग आईडी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आईडी मिल तो रही है, मैं इसे फिर से बैक करता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ, आईडी 4 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ तक करेक्ट हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब मुझे क्या करना है, यूज़ इफेक्ट को कॉल करना है, ठीक है, यूज़ इफेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर मैं एक एरे ले लेता हूँ, क्योंकि एपीआई से जो रिकॉर्ड आएगा वो एरे में ही होगा, ठीक है। और फिलहाल मैं अब इसमें क्या करता हूँ, एक एपीआई कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक्सॉस, ठीक है, ओके, एक्सॉस, देखिए मैंने लगाया नहीं, तो एक्सॉस लिखते ही अपने आप आ गया। हाँ, इसको भी हमें इंपोर्ट करना था, हम भूल गए थे, जैसे ही हमने एक्सॉस लगाया वो अपने आप ऊपर लिख के आ गया, इसकी भी मुझे जरूरत थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सॉस के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास कई तरीके हैं। एक होता है ब्राउज़र पे फैच फंक्शन होता है, उसके थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं एपीआई को, बट वो बहुत पुराना होता है, उतना पुराना मैं नहीं बताना चाहता हूँ। उसके अलावा एक्सॉस में भी अगर आप आएंगे तो एक प्रॉमिस के थ्रू भी करते हैं हम लोग, और अवेटर एंड सिंक के थ्रू भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं एक्सॉस को यूज़ करता हूँ और साथ में प्रॉमिस को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक्सॉस डॉट गेट किया, और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें अपनी एपीआई का यूआरएल देना होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने एपीआई का यूआरएल बैक टेक के अंदर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी लगा लेता हूँ। जब ये एपीआई रन करेगी, तो अगर ये एपीआई सक्सेसफुली रन कर गई, कहने का मतलब जो आईडी डाली उस आईडी का रिकॉर्ड हुआ, तब तो ये मतलब अगर सक्सेसफुली रन कर गई तब तो ये देन में ले जाएगा, नहीं तो कैच में ले जाएगा। तो जब तो अब इसका मैं क्या करता हूँ, देन बनाता हूँ, ये देन हुआ, और साथ में इसका एक होता है कैच, मतलब ये चीज़ प्रोमिसेस के साथ होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। तो अब ये एपीआई जब रन होगी तो सक्सेसफुली रन हो गई तो देन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना ले, फंक्शन बनाते हैं, रिस्पॉन्स लिख लेते हैं, और इस तरीके से पहले कंसोल करके देखना चाहिए कि रिकॉर्ड आ भी रहा है नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, चलो इसी में देखता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्स प्रिंट किया इसलिए ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, अगर हम डाटा प्रिंट कर देते तो वो इसको प्रिंट कर देता, और डाटा के अंदर अगर हम नेम प्रिंट करेंगे तो पर्टिकुलर नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा करता हूँ, ये देखो रिस्पॉन्स डॉट डाटा किया, ये डाटा प्रिंट हो गया। और अगर आपको नेम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे डॉट नेम लगाएंगे तो हमको नेम भी मिल जाएगा, देखो नेम मिल गया सूरज कुमार। बट अब ये तो कंसोल में प्रिंट हो रहा है ना, अब हमको इसके कंपोनेंट में प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो या तो अब ऐसा करते हैं, हम एक जेसन का ही स्टेट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं ऐसा करता हूँ, एक ही बनाता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास तरीके हैं। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं, सिटी नेम आईडी नेम पासवर्ड को प्रिंट नहीं करूँगा, फ़ोन करूँगा, तो चार वैल्यू प्रिंट करूँगा। या तो आप यूज स्टेट कर करके चार मतलब क्रिएट कर लीजिए स्टेट वेरिएबल, या आप सिंगल बना लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ सिंगल बनाता हूँ, ठीक है। मैं करता इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म वैल्यूज, ऐसा फॉर्म वैल्यू, चलिए फॉर्म वैल्यू लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ सेट फॉर्म वैल्यूज, और इसको मैं लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात ये थी कि हम सिंगल भी ले सकते थे, बट
ये और थोड़ा कन्वीनियंट तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जेसन में लेना पड़ेगा। कैसे लेना होगा, नेम कॉमा, जो तो वेरिएबल है वो लेके देख लेते हैं। नेम नेम फोन नेम ईमेल, नेम ईमेल और फोन, ठीक है, और सिटी, नेम ईमेल फोन सिटी, ठीक है। चलिए ये हमने ले लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो रिस्पांस मिला है इनको वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ। कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा फोन कॉमा सिटी, और यहाँ पे रिस्पांस डॉट डाटा कर दिया। अब ऐसा करने से ये होगा, जो रिस्पांस डॉट डाटा है उन सब का जो डाटा है वो सब इन वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा पहले, और स्टोर करने के बाद फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, सेट फॉर्म वैल्यू, तो ये यहाँ भी वैल्यूज़ का रखा है, तो यहाँ भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा हटा देते हैं, वैल्यू कर देते हैं, मतलब यहाँ वैल्यू करो, यहाँ भी एक नाम थोड़ा समझ में आसानी होती है। तो अब मैं सेट फॉर्म वैल्यूज़ करता हूँ, वैल्यू करता हूँ सॉरी, और उसके अंदर इनको एड पुट कर देता हूँ ऐसे। तो जो हमें रिस्पांस मिला उसको हमने एक अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर दिया, और फिर सॉर्ट सेट फॉर्म वैल्यू वाला जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया और उसके अंदर ये पास कर दिया। अरे यार दो दो लग गए है। देखो ये जो ये यूज स्टेट है ना, अभी इस हुक के बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में फिर से बता दूंगा, बट यहाँ पे हमने जो एक मतलब यूज स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एक टाइप से मतलब वेरिएबल का ऐसे समझ लीजिए टाइप बताते हैं। अब यहाँ पे आपने टाइप क्या बता रखा है कि इसके अंदर एक आप जेसन डाल रहे हो, मतलब यूज स्टेट के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती थी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती थी, बट यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा है, एज ए जेसन हमने दिखा रखा है, तो हमने एज ए जेसन उसमें स्टोर कर लिया। एक मिनट, मिस्टेक हो गई है थोड़ी। ठीक है, अब मैं इसे अपने पेज पे प्रिंट करके देखता हूँ कि प्रिंट हो रहा है। किस नाम से है, फॉर्म वैल्यू डॉट नेम, ये देखिए सूरज कुमार ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं कंसोल को बंद कर देता हूँ, इसे प्रॉपर तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ मैं H2 लगा देता हूँ और यहाँ डिटेल व्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर देता हूँ नेम इस तरीके से, और दूसरा है नेम ईमेल फॉर्म वैल्यू डॉट ईमेल, ये हो गया। देखें दो को रन करके देखता हूँ पहले क्या आ रहा है। ठीक है, बट ये न्यू लाइन में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं BR लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया। और अब मैं, अच्छा ईमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, फॉर्म वैल्यू डॉट फोन फोन हो गया, BR, नेम ईमेल फोन और सिटी, फॉर्म वैल्यू डॉट सिटी,
चलो देखते हैं ये कैसा क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डिटेल भी बन गया। जब मैं फिर से जाता हूँ पीछे, मैं करता हूँ सपोज प्रभात शर्मा पे क्लिक करता हूँ तो प्रभात शर्मा की डिटेल आ गई, और मैं करता हूँ अगर राजेश पे क्लिक करता हूँ तो राजेश की डिटेल आ गई, और अमित पे क्लिक कर दिया अमित, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिटेल व्यू। ठीक है, तो ये तो वैसे हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और रह गई एरर की बात। अगर आपको एरर भी करनी थी तो आप एरर भी बना सकते थे, बट मैं अब एरर नहीं बना रहा। ठीक है, अगर नहीं अगर बनाना चाहें तो हम यहाँ इस तरीके से एरर बना सकते हैं, अगर एरर आ जाए तो इस एरर को भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी करना है कंसोल वगैरह करके देखो, या कहीं जो भी करना है कंसोल डॉट लॉग कर लो एरर। बढ़िया भी रन नहीं होगा क्योंकि एपीआई सक्सेसफुली हमारी चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि एपीआई से चल रही है, इसलिए कैच में जाएगा नहीं। ठीक है, बाकी एरर पे इससे प्रॉमिस वाले वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ कैच के बारे में, तो आप उसको यहाँ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमने जो काम किया है ये एक्सॉस के थ्रू प्रोमिस को यूज़ करके किया है। ठीक है, बट अगर यही काम आपको अवेट एंड एसिंक के थ्रू करना हो तो क्या करेंगे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं बता इसलिए रहा हूँ दोनों तरीके से काम करना आना चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट काम करना होता है, इसलिए आना चाहिए। फिर मैं बनाऊँगा ट्राई ब्लॉक और फिर मैं बनाऊँगा एक कैच ब्लॉक। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसको उठाइए, इसे कट करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, रिस्पॉन्स एवेट और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद इसको उठाइए पूरा का पूरा कट करिए और यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया, बाकी ये कोड हटा देता हूँ नीचे वाला। ठीक है, एरर का तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर आपको एरर प्रिंट करनी है तो आप अपना यहाँ पे एरर प्रिंट कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने एरर पे ज़्यादा काम नहीं किया है क्योंकि एरर के बारे में मैं बता चुका हूँ, प्रॉमिस वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया रन, ये फालतू का लाइन के गैप पे हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, एरर तो नहीं आ रही है। परफेक्ट, चल तो ये सही चल रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे अवेट एंड एसिंक के थ्रू भी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल व्यू। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा डिटेल व्यू वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपना कोई कमेंट या फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं कैसा काम कर रहा हूँ। और कोशिश करिएगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स को आप शेयर करिए क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ। और हाँ, साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, और एक बेल आइकन होता है अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं फिनिश करता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।